बीती रात इलाका भ्रमण के दौरान खुशी लाल अस्पताल के सामने से एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटर साइकिल से आते दिखा, जो पुलिस को देखकर गाड़ी वापस कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम दिनेश अहिरवार निवासी बरेली का रहने वाला बताया, जिससे बिना नंबर की मोटरसाइकिल के संबंध में आरोपी से हिकमत अमली से पूछताछ करने पर दो गाड़ी बरेली और चार गाड़ी कमला नगर क्षेत्र से, एक गाड़ी कोलार से चोरी करना और मोबाइल चोरी करना कबूला। वही बात करें तो नकबजन की, जिससे 3 सोने की चैन बरामद करने में सफलता हासिल की। इस तरह से 7,50,000 रुपए का मशरूका बरामद किया। वही थाना प्रभारी निरूपा पांडे का कहना है कि आरोपी से और भी खुलासा होने की संभावना है। मेन थाना कमला नगर पुलिस द्वारा दो चोर को और एक नकबजन को गिरफ्तार किया है। क्या था पूरा मामला और लगभग कितने लाख का मशरूका पुलिस ने बरामद किया है? इसमें शहर में लगातार चोरी की वारदातें हो रही है, संपत्ति संबंधी अपराध हो रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक थाना स्तर पर टीम गठित की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे कि अधिक से अधिक वाहन चोरों को और नकबजनों को पकड़ा जाए। इसके लिए टीम एक्टिव थी, तो मैं सूचना प्राप्त हुई कि कुशीलाल हॉस्पिटल के पास में एक संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति है जो वाहन चोर हो सकता है, उस पर चोरी का वाहन इस पर पहुँचे थे, उसको घेराबंदी कर पकड़ा था। पूछताछ के दौरान उससे ज्ञात हुआ कि अपने एक साथी के साथ मिलकर, संजय अहिरवार नामक साथी है और जो मुख्य आरोपी है वो दिनेश अहिरवार है, दोनों बरेली रायसेन के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ पर हमें ज्ञात हुआ तो इनके द्वारा 4 वाहन थाना कमला नगर अंतर्गत चोरी के बताए गए हैं इनके द्वारा, और 2 वाहन बरेली रायसेन के और 1 कोलार थाना अंतर्गत, 4 वाहन हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं और 6 मोबाइल भी इनसे हमने बरामद किए हैं। इनके द्वारा बस में आती जाती यात्रा करने के दौरान यात्रियों के चुराए जाते थे, जिनके संबंध में जो मालिक है उनकी पता साझी की जा रही है। इसी क्रम में संपत्ति संबंधी अपराधों की पता साझी के क्रम में हमें एक चोरी की सूचना मिली थी, जो रात में नकबजनी की चोरी मिली थी, घर से चोरी 3 चांदी की चेन और 20,000 रुपये चोरी हुए थे। जो संदेही को हमने उठाया तो उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया था, उससे हमने माल जब्त किया। इस तरीके से करीब 7,50,000 का मशरूका मैं द्वारा बरामद किया गया है और आगे भी पूछताछ जारी है। नकबजनी के टोटल कितने अपराध थे मैम उसके ऊपर? नकबजन जो था वह काफ़ी शातिर व्यक्ति है। 2020 से 2024 तक वह प्रकरण उसके जो वो जेल में था, उसके पूर्व उसके 2016 से करीब 18 प्रकरण हैं, जिसमें अधिकतर उसके संपत्ति संबंधी अपराधी हैं, इस संबंध में और पता साझी की जा रही है। जो वाहन चोर जो है दो, उन पर कितने अपराध हैं? उनका एक एक आपराधिक रिकॉर्ड था, बरेली रायसेन में था। क्या बैकग्राउंड क्या था इनका? बैकग्राउंड था मजदूरी करके ही और बेसिकली यही चोरी करके, शौक थे इनको नशा करना घूमना, तो यही करते रहते थे।